वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिलामने आज दशम श्रेणी प्रथम पाठ जहाँकि परिवर्तित पाठ ताऊपर आम आलोचना करिबा भीमंक सिंहनाद रढ़ी चलित वर्ष यही पाठटी आमर दशम श्रेणी पुस्तक स्थानित होणु यही पाठ ही सुद्रमणि सारलदास द्वारा रचित सारलदास संपर्क आम कि जाणवा। सुद्रमणि सारलदास जहाँ कि आदिकवि माटीर महाकवि उत्कल व्यास नाम समस्ते जानती जन्म पंचदश शताब्दी अर्थात 1400 मसीहारु 1500 मसीहा मध्यरे होइतिवार अनुमान करा जाए। आ एही समय को जदि आमे लक्ष्य करिबा ताले एही समयटी रे गजपति कपिलेन्द्र देव जे कि ओडिसार गजपति थिले तांकर जन्मस्थान जगतसिंहपुर जिल्लार तेंतुलिया पदा बा झंकड़ ग्रामरे होइथिले। सारलदासकर बाल्य नाम सिद्धेश्वर परिडा। तांकर साहित्य कृति विषय जदि आमे देखिबा ताले ताहा महाभारत विलंका रामायण चंडी पुराण देवी भागवत लक्ष्मी नारायण वचनिका इत्यादि सब से रचना करते। ओडिया साहित्यर सबुठारु कलार कोणार्क बोली जहाँ कहा जाए ताकर महाभारत। यही महाभारतटी संस्कृत व्यासदेव कृत महाभारतर ओडिया अनुवाद किंतु यह अविकल अनुवाद नुहे। संस्कृत महाभारत रे 100,000 अधिक श्लोक थिबा स्थले एही श्लोक रे नाही ओडिया पद्यावली रे 100,000 ऊर्ध्व पद्यावली रे एहा रचित होईची। तेणु एहाकु विश्वर सबुठारु बड़ इपिक्स बा महाग्रंथ बोली कहा जाए। सुद्रमणि सारलदास जातिरे शूद्र होइतिबा रु एवं सारलदेवीक पीठरे आश्रम करि रहुतिबा हेतु तांकर नाम सुद्रमुनि नामित होईछि। किछि निति आदिकवि कहिबार माने होउछि ओडिया साहित्यर प्रथम कवि होइतिबा हेतु तांको आदि बा आरंभर कवि बोली कहा जाए। माटीर महाकवि मध्य किछि आख्यायित करा जाए तांको ओडिया माटीर जड़े कृति सतान होइतिबारु तांको माटीर महाकवि बोली कहा जाए। उत्कल व्यास नामरे मध्य से ख्यात होइछन्ति जेतु संस्कृतर महाभारत को ओडिया रे अनुवाद करथिबा हेतु आउ महाभारत रे ओडिसार संस्कृति ओडिसार परंपरा ओडिसार सभ्यता एही माटी कथा लेखिथिबा हेतु उत्कल व्यास नामरे से परिचित। बर्तमान आम देखिबा भीमंक सिंहनाद रढ़ी पाठ तांकर केउ पुस्तकरु आसिछि। भीमंक सिंहनाद रढ़ी पाठटी तांकर महाभारतर गदा पर्वरु आसिछि। एही महाभारत 18 पर्व बा खंड विशिष्ट ता भितरे सौंडिक अनुशासनिक मध्य गदा इत्यादि पर्व से लिखिछन्ति। तेणु एही भीतरु गदा पर्वरु भीमंक सिंहनाद रढ़ी पाठटी आसिछि। बर्तमान आम देखिबा ए भीमंक सिंहनाद रढ़ी पाठर तार पृष्ठभूमि। भीमंक सिंहनाद रढ़ी विषयटी सारल महाभारतर गदा पर्वरु आसिछि। महाभारत महासमरे आत्मीय स्वजनंकु हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासंक उपदेशरे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर आत्मगोपन करिअछन्। पिलाम जानिथिबो एही व्यास सरोवर रे शरण नेइथिबा व्यक्ति को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिबो बोली शिव अभिशाप देइथिले। सहदेवंकु मुखरु दुर्योधन एही निरापद स्थान रे लुचिथिबा सूचना पाई भीम शिवंक ठारु सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रड़ी देवारु महालक्ष्मीकर अभय गृहरे आश्रय नहीं दुर्योधन महालक्ष्मी बारण न मानी
तांगु ठेली देई जुद्दम देई डाकरा देई सतुरी भार गदा धरी महादर्परे व्यास सरोवररु बाहरी आसिल। एठारे भीमंक द्वारा शिवंक ठारु सिंहनाद प्राप्ति ताहार बादनरे सौरमंडल भयंकर परिस्थिति सृष्टि महालक्ष्मीकर सांत्वना को अग्राह्य करी दुर्योधनक विरोचित सम्मुख समर को आगमन आदि विषय सुंदर भाव चित्रित होइछि। वर्तमान आम देखिबा ए सिंहनाद रो अर्थ की कौन भीम आम जानले भीम होती मध्यम पांडव से सिंहनाद कर सिंहनाद अर्थ कौन सिंहनाद एक प्रकार बाद्य जहाँकि महिषी सिंह रे निर्मित शिव भैरव रूप धारण करी सिंहनाद कले पृथ्वी प्रलय हुए पूर्वे अश्लेषा दत्त्य कैलाश उपाड़ी नेउथिबा बेले ऋष्यमुख पर्वतरे थिबा भीमंकु शिव डाकिले भीम अश्लेषा दत्त्यंकु मारी कैलाश उद्धार करिबारु शिव भीमंकु बर जाचिथिले सेही बरकु स्मरण कराई भीम शिवंक ठारु एहा प्राप्त हेले दुर्योधनकु व्यास सरोवररु बाहर करिबा थिला ए सिंहनाद रडीर उद्देश्य। तेणु वर्तमान आम देखिबा एही पाठर चारोटी पद ई चारोटी पद कौन ता वर्तमान लक्ष्य करिबा सहदेव बोइला स्वामी सुणीमा जगन्नाथ ईश्वरंकु सिंहनाद मागंतु पवनर सुत गोविंदे बोइले जेबे जेमंत अछि भीम बुद्धि हराई किंपे कलुतु मति भ्रम जेबे बहनतु विश्वनाथंकु सिंहनाद माग रडीर नादे मान गोविंद बाहर बोलु बेग ध्यान न चिंतिला जे पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देवशूलधर। बर्तमान देखिबा आमे ई जो चारोटी पाद पद पढ़िले ए चारोटी पद भीतर कौन सब कठिन शब्दार्थ अछि एटी जो विश्वनाथ पशुपति ईश्वर त्रिपुरारी इत्यादि पद अछि ता केवल जनकु बुझाउछि शिवकर प्रतिशब्द हेउछि एक शब्द एटी मानगोविंद कहुआई जहाँकि दुर्योधन को बुझा जाऊँ उमा कहले पार्वती उपकारी उपकारी पांडव सुंदर अर्थात भीम यहीपर आम कठिन शब्दार्थ ये आम प्राप्त होगा। वर्तमान आम देखा चारोटी पद को वर्तमान लक्ष्य करिबा सहदेव बोइला स्वामी सुणीमा जगन्नाथ सहदेव अर्थात जी कि पंचम पांडव जी कि दिव्य द्रष्टा थिले से स्वामी जगन्नाथ अर्थात ये कृष्ण कहुचंती जे किभली भावरे दुर्योधन र मृत्यु हेबो दुर्योधन जेहेतु आत्मगोपन करिछि व्यास सरोवर रे ताकु डाकिले जाए तार मृत्यु हेब तेणु जदि शिव सिंहनाद बर पवनर सुत अर्थात भीमंकु जदि आशीर्वाद स्वरूप देबे ताहेले निश्चित रूपरे भीम सेही सिंहनाद शिवंकठारु प्राप्त हेला परे व्यास सरोवर को जाई रड़ी छाड़िले दुर्योधन जी कि महामानी युद्धर डाकरा को से आद युद्धर डाकरारु आद से हटिब नाही आउ जेतेबेले बाहरी आसीब व्यास सरोवर रु सेतेबेले निश्चित रूपरे ताकु भीम मारी पारिबे तेणु विश्वनाथ अर्थात शिवंकु एही बर मागिबा पाई जहाँकि शिव आगरु शपथ करिथिले जे जेकोनसी मुहूर्त जो बर मागिले मध्य देवी बोली कहिथिले तेणु एही मुहूर्त जदि शिवंकु सिंहनाद रड़ी बर मागिबे सिंहनाद मागिबे ताहेले